हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं धारा 6 के अंतर्गत प्रतिसरण यानी कि रिवोकेशन प्रस्थापना का प्रपोजल का कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। धारा 6 में चार तरीके से प्रस्थापना का प्रतिसरण हो सकता है, प्रपोजल का रिवोकेशन हो सकता है, इसके बारे में धारा 6 में चार तरीके बताए गए हैं। प्रस्ताव द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसरण की सूचना दिए जाने से पहले हमने देखना पड़ेगा कि धारा 5 के अंतर्गत यह बात बताई गई है कि प्रस्तावनाओं का प्रतिसरण किस प्रकार से किया जाता है और कब जो है प्रस्थापक अपने प्रस्थापना का प्रतिसरण कर देता है। हमेशा प्रस्थापना जब दूसरे पक्षकार को की जाती है और दूसरा पक्षकार जो है प्रतिग्रहण करता है तो प्रतिग्रहण के पूर्व पूरी प्रस्थापक अपनी प्रतिस्थापना का प्रतिसरण यानी कि रिवोकेशन कर सकता है, विखंडन कर सकता है, उसके पश्चात नहीं। जैसे कि ए व्यक्ति अपना हाउस बी को बेचने की प्रस्थापना करता है डाक द्वारा, भाई पोस्ट डाक द्वारा करती। अब यहां पर बी द्वारा प्रतिग्रहण करने से पूर्व पूर्व ए जो है अपनी प्रस्थापना का प्रतिसरण कर सकता है, उसके पश्चात नहीं कर सकता। सेक्शन 5 बताएगी बात यह, और सेक्शन 4 ये बात कहता है कि प्रस्थापना का प्रतिसरण कब किया जा सकता है और कब तक किया जा सकता है। सेक्शन 4 के अंतर्गत ये जब प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना का प्रतिसरण कारोबार के पार्षद के अनुक्रम में कर देता है और जब प्रतिग्रहिता के यानी प्रतिग्रहण करने से पूर्व पूर्व उसके ज्ञान में आ जाती है तो प्रतिसरण की संसूचना कंप्लीट हो जाती है। एक सामान्य बात है और विधि में इसका बहुत ही महत्व है। अब करते हैं हम बात कि प्रस्थापना का प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसरण की सूचना देकर, जो कि यहां सूचना बताई गई है। एक केस है हैंथ्रान वर्सेस फ्रेजर का केस है जो प्रतिसरण की सूचना के बारे में बताया गया है। ए ने बी को अपनी एक कार 1,00,000 रुपये में बेचने की प्रस्तावना कर दी। और उसके बाद जो है बी ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया 4 बजे और प्रतिग्रहण की सूचना इसके पास भेज दी। ए अब जो है बी को कार नहीं बेचना चाहता और इसने जो है प्रतिसरण की सूचना रिवोकेशन की सूचना बी के पास भेज दी। वो सूचना जो है 5:30 बजे उसी दिन बी को प्राप्त हुई। अब यहां पर प्रस्थापक अपने प्रपोजल का प्रस्थापना का प्रतिसरण यानी कि रिवोकेशन नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेप्टेंस तो 4 बजे ही कंप्लीट हो चुका था, तो अब इसका रिवोकेशन नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है कि प्रतिसरण किसके द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीय विधि में यह बताया गया कि प्रतिसरण प्रस्तावक या उसके अभिकर्ता द्वारा किया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक उदाहरण है बहुत अच्छा, ये मेंस एग्जाम में
आने की इसकी पूरी संभावना है। ए ने अपनी एक कार 1,00,000 रुपए में बेचने की प्रस्तावना बी को कर दी, ये करीब 4 अगस्त 2023 को, और इसको टाइम दिया बी को कि अगर ये 1,00,000 रुपए में कार खरीदना चाहता है तो 5 दिन का समय यानी कि 9 अगस्त 2023 तक अपना एक्सेप्टेंस दे दे। ए ने 6 अगस्त को 2023 को यही कार एक व्यक्ति सी को सेल कर दी और इसकी सूचना बी को 7 अगस्त को लगी कि भाई कार तो बिक चुकी है किसी अन्य व्यक्ति से, ना तो प्रस्थापक से पता सूचना मिली ना ही किसी अभिकर उसके अभिकर्ता से, किसी अन्य स्ट्रेंजर व्यक्ति से सूचना मिल गई। इसने जो है बी ने 8 अगस्त को जो है 2023 को एक्सेप्टेंस की सूचना का नोटिस जो है ए को सेंड कर दिया। क्या यहां पर प्रस्थापना का रिवोकेशन हो चुका है या एक वैध संविदा का निर्माण हो चुका है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो भारतीय विधि के अंतर्गत अगर यह मामला अंग्रेजी विधि के अंतर्गत है और किसी स्ट्रेंजर से भी यह पता लग गया कि कार जो है सी व्यक्ति को बेच दी ए ने, तो यहां पर जो प्रस्थापना है उसकी प्रतिसरण हो जाता है। लेकिन भारतीय विधि के अंतर्गत जो है संसूचना प्रतिसरण की संसूचना हमेशा प्रस्थापक द्वारा या उसके द्वारा ऑथराइज अभिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए, ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति दे दे। इस मामले में भारतीय विधि के ए ने या उसके द्वारा ऑथराइज किसी एजेंट द्वारा ये सूचना नहीं दी गई, सूचना एक स्ट्रेंजर व्यक्ति से मिली, इसीलिए यहां पर प्रस्थापना का प्रतिसरण नहीं हुआ और एक विधिमान्य संविदा जो अस्तित्व में है और बी जो है ए के विरुद्ध यहां पर संविदा भंग के लिए वाद ला सकता है। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही अच्छी का नाम एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपसे बताने की कोशिश की। दूसरी है धारा 6 में बताई गई दूसरी कंडीशन जिसमें कि प्रस्थापना का प्रतिसरण हो सकता है। नंबर 2 है प्रतिग्रहण के लिए विहित समय बीत जाने से, या अगर विहित समय कोई नहीं दिया गया है तो एक युक्तियुक्त समय जो व्यतीत हो जाने से यहां पर प्रस्थापना का प्रतिसरण हो जाता है। ए अपना एक हाउस बी को 2,00,000 रुपए में बेचने की प्रस्तावना करता है और कहता है कि यह प्रपोजल जो है केवल 3 डेज के लिए खुला है, यानी कि 3 डेज में अगर आप इसको खरीदना चाहते हो 2,00,000 रुपए में इस घर को, तो आप 3 दिन में के अंदर अंदर सूचना दें। यहां पर बी ने प्रतिग्रहण किया ही और 3 दिन व्यतीत हो गए, तो यहां प्रस्थापना का प्रतिसरण हो गया क्योंकि एक विहित काल था 3 डेज में ही एक्सेप्टेंस करना था। ठीक है जी, दूसरी बात अगर विहित समय कोई नहीं है, एक सर्टेन टाइम नहीं है, तो वहां एक रीजनेबल टाइम के लिए ए ने कहा कि कंपनी के शेयर अगर खरीदना चाहते हो, ये बात कही अगस्त में कही कि अगर आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो तो इतने मूल्य के मैं जो है खरीदने के लिए आप जो है वो दे दो,
और इसके लिए कोई जो है समय विहित नहीं किया गया। नवंबर तक बी ने कोई सूचना जो है इन शेयर को खरीदने के लिए नहीं दी। तो एक युक्तियुक्त टाइम है, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कई महीने बाद है, तो यहां पर जो है इसका रिवोकेशन हो जाता है प्रपोजल का। तीसरी चीज और है कि अगर प्रस्थापना में प्रस्थापक द्वारा कोई पूर्ववर्ती शर्त रख दी गई कि आपने अगर इस शर्त को पूरा करते हैं तो मैं प्रतिग्रहण मान लूंगा, और वह व्यक्ति उस शर्त को पूरी नहीं करता, तो यहां जो है प्रपोजल का रिवोकेशन हो जाता है। ए ने कहा कि अगर आप मेरी कार 1,00,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो, बी से कहा, तो आप जो है 1,00,000 रुपए एडवांस दे दो, तभी मैं आपको कार दूंगा। और बी ने यहां पर कार खरीदने की बात तो कर दी, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं 1,00,000 रुपए में, लेकिन 1,00,000 रुपए जो पूर्व भाव्य शर्त थी, पूर्व शर्त थी, उसका अनुपालन नहीं किया, तो प्रपोजल का एक्सेप्ट क्या नाम रिवोकेशन हो जाता है। चौथी चीज है प्रस्थापक की मृत्यु या पागलपन या उन्मत्तता कहते हैं जिसको, उसके कारण जो है यहां पर प्रस्थापना का रिवोकेशन हो जाता है। लेकिन दो स्थितियां हैं यहां पर। ए ने अपना एक घर बेचने की संविदा बी से कर दी एक सर्टेन प्राइस में। बी ने प्रतिग्रहण करते समय इस बात का ज्ञान नहीं था कि ए की मृत्यु होगी या वह पागल हो गया, इस बात का ज्ञान नहीं था, और उसने जो है प्रतिग्रहण करके सूचना भेज दी। तो यहां पर जो है क्योंकि बी को ज्ञान नहीं था इसकी मृत्यु या उन्मत्तता का, तो इसके ए के जो एलआर हैं वो उस संपत्ति तक केवल, व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होते कभी भी एलआर, केवल उसकी उस संपत्ति तक जिसको बेचने की ए ने प्रपोजल बी को किया था वहां बाध्य हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात है, अगर बी को इस बात का पता लग गया प्रतिग्रहण करने से पहले कि ए की मृत्यु हो चुकी है या वह पागल हो गया है, तो वहां प्रस्थापना का प्रतिसरण हो जाता है। तो ये चार चीजें हैं जिनके अंतर्गत जो है प्रस्थापना का प्रतिसरण यानी कि रिवोकेशन हो जाता है। ये चार चीजें मैंने उदाहरण सहित आपको बताई और मेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।